हे गाइज, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। हम जानेंगे सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, जिसे हम शॉर्ट में SMS बोलते हैं, और इसे हम अपने साइट पे कैसे लागू करेंगे, इसका हम यूज़ कैसे करेंगे और क्या क्या इसके यूजेज हैं, इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइज, अगर आप नेबोस या अदर कोई भी सेफ्टी का बुक पढ़ना चाहते हैं तो डाउनलोड कर लीजिए। एक एप्लीकेशन है HSC नोट, यह आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा या उसका मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। यहां पे आपको IOS, नेबोस और अदर जितने भी सेफ्टी और फायर के बुक्स हैं आपको यहां फ्री में स्टडी करने को मिलेंगे। तो गाइस, सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम एक कम्प्रीहेंसिव मैनेजमेंट सिस्टम है जिसका डिज़ाइन किया गया है ताकि जो भी हमारे साइट पर वर्क प्लेस पर सेफ्टी एलिमेंट्स हैं उन्हें हम मैनेज कर सकें। जैसे कि किसी भी काम को करने का या किसी जॉब को करने का एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम को हम फॉलो करते हैं ताकि जो भी हमारा जॉब है, जो भी हमारा टास्क है वो सही से हो सके। इसी तरह जो हमारे साइट पे काम चल रहे होते हैं उसमें काफ़ी सारे सेफ्टी एस्पेक्ट्स होते हैं, सेफ्टी एलिमेंट्स होते हैं, तो उन्हें हम सेफली कैसे रन करें, कैसे मैनेज करें सेफ्टी को अपने वेबसाइट पर, इसी सिस्टम को बोलते हैं सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अंदर काफ़ी कुछ हैं जो अभी हम जानेंगे धीरे धीरे करके, तो आइए अभी आगे देखते हैं। सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम दो तरह के होते हैं जो कि इंटरनेशनली यूज़ किया जाता है। सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को हम ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट भी बोलते हैं, तो इसे आप शॉर्ट में OHS SMS बोल सकते हैं, या अगर आपको दिक्कत है तो आप केवल SMS भी बोल सकते हैं। ये जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है IGC 1 के लिए। अगर आप IGC 1 का प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये अच्छे से आप देखें, ध्यान से समझें इसे। तो जो सबसे पहला है ये ILO OSS 2001 है, जो कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एस्टेब्लिश किया गया, इसका स्थापित किया गया है। सेकेंड है ISO 45001। तो दोनों ये सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम ही हैं, दोनों का काम एक ही है, ये दो अलग अलग एजेंसीज के द्वारा बनाए गए हैं। तो आइए अब आगे देखते हैं इसको कैसे हम अपने साइट पे लागू करते हैं। ये दोनों सिस्टम बेस्ड हैं PDCA मैनेजमेंट साइकिल पे। तो PDCA का फुल फॉर्म होता है प्लान, डू, चेक एंड एक्ट। तो ये क्या है इसे हम डिटेल में समझेंगे, चलिए देखते हैं। जब भी हम कोई टास्क करने जा रहे होते हैं या कोई काम करने जा रहे होते हैं तो सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं, हम अपना एम सेट करते हैं, यानी लक्ष्य सेट करते हैं कि हमें क्या करना है, उसे कैसे करना है, उसे कैसे हम अचीव करेंगे, उसके लिए हम प्लान करते हैं। जैसे कोई भी काम करें, जैसे मान लो एक्सकवेशन करना है हमें, तो उसे कैसे हम एक्सकवेट करेंगे कि हमारा सेफ रहेगा, इसके लिए प्लानिंग करेंगे और उसके लिए हम काम करेंगे। प्लानिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है डू, यानी जो भी आपने प्लान किया है, जो भी आपने प्लानिंग किया हुआ है कि मुझे ऐसे काम करना है, उस प्लान को आपको क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है, लागू करना है। जब आप प्लानिंग कर लेते हैं और उस प्लान को आप इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, लागू कर लेते हैं, उसके बाद क्या करना है, आपको चेक करना है, यानी जो भी आपने प्लानिंग किया था, जो भी आपने इम्प्लीमेंट किया उसका परफॉर्मेंस कैसा है, यानी जो आपका लक्ष्य था, जो आपने सोचा था, उस तरह से वो काम कर रहा है कि नहीं, वर्क कर रहा है कि नहीं। यानी जैसे मान लो कोई आपने प्रिकॉशन मेजर या कोई सेफ्टी मेजर से अगर अप्लाई किया है तो आपके वर्कर्स को सेफ कर रहा है कि नहीं, आपका जो काम है वो स्मूथ हो पा रहा है कि नहीं, इसका ये सब आपको चेक करना है। लास्ट पॉइंट आता है एक्ट, यानी जब आपने प्लान कर लिया, आपने उसे इम्प्लीमेंट कर दिया, आपने उसे चेक भी किया, उसके बाद क्या करना है, आपको समय समय पर रिव्यू करते रहना है कि हमारा जो प्लान है वो सक्सेसफुल रन हो रहा है कि नहीं, उसमें कोई अगर कमी आ रहा है वो आपको उसमें इम्प्लीमेंट करना है, ऐड करना है, आपको देखते रहना है कि प्रोग्रेस सही से हो रहा है कि नहीं। तो ये था सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम और PDCA मैनेजमेंट साइकिल। आई होप कि आपको समझ में आया होगा।